महा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, छल कपट जानने वाला, तोड़ मड़ोड़ करने वाला, एक दूसरे को लड़ाने वाला, परिवार को बांटने वाला, ये प्रधानमंत्री माहिर है। 24 में बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं आप? विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस की विचारधारा अच्छी विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा कैसे देश हित में नहीं? देश हित में भाजपा की विचारधारा कतई नहीं है। क्यों लगता है ऐसा नहीं है? क्यों लगता है आपको कि ऐसा नहीं? अंग्रेजों के पिट्ठू है मैं भाजपा के विचारधारा। अंग्रेजों को भगाया गया, 200 साल राज किए, तो ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, इसलिए इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है। क्या बात करें चाचा, अंग्रेजों से जोड़ दिया भाजपा को जी? अंग्रेजों से जोड़ दिया भाजपा को जी? अंग्रेजों क्यों लगता है? अंग्रेजों की ही विचारधारा है, पूंजीपति विचारधारा उनकी है, पूंजीपति विचारधारा इनकी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने देश बदल दिया, तरक्की हो गई देश की। बदल दिया? मोदी जी झूठ बोलते हैं। आपको झूठ बोलते हैं? उठाओ, सत्य की लड़ाई यही है, कांग्रेस सत्य पे लड़ रही है, ये मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो कह रहे मोदी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा है, ये बुजुर्ग हैं, इनको जानकारी है। आप भी तो बुजुर्ग हैं, आपने भी तो सरकारें बहुत सारी देखी, कांग्रेस की भी देखी होगी, आप भाजपा की 10 सालों से देख रहे हैं। अरे कुछ बच्चों को चाहिए कि खाली झूठे मंदिर मस्जिद बनवा करके चाहिए? तो बच्चों को बता रहे नौकरी हम बहुत दे रहे हैं, 2-2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। अभी यही है, कहीं आप बाहर हैं यूपी से? आप भी यूपी में हैं? आप क्या चाहते हैं? बोल नहीं सकते ना भाई साहब, आप क्या चाहते हो? नहीं बोलोगे भाई साहब? आप कुछ बोलोगे? नहीं, हम नहीं बोल बोल नहीं पाते भाई साहब। आप तो कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। बदलाव की विचारधारा कांग्रेस को लाइए, देश हित में यही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस देश हित में काम कर रही है? सत्ता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, ये नहीं लड़े, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, इसलिए कांग्रेस को हम सब लाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि अंग्रेजों के साथ थे ये भाजपा वाले जी? तो भाजपा बनी भी नहीं? हाँ, वो हिंदू महासभा बनी पहले, उसके बाद आरएसएस बनी, आरएसएस से जनसंघ बना, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, कहाँ ये नहीं है? यही वही तो हैं जो हिंदू महासभा में थे, तो वही आज भाजपा में है। तो आपको लगता है विचारधारा वही है? विचारधारा वही है जी। तो देश के हित में विचारधारा नहीं है? देश के हित में इनकी विचारधारा कतई नहीं है। तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी अच्छे हैं, राहुल गांधी हमारे जो है वो देश के संत हैं। अच्छे हैं और सच्चे भी हैं। अच्छे के साथ सच्चे भी हैं राहुल गांधी। सच्चे भी हैं, अच्छे हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का एक मामला था, इन्होंने कहा और जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी वहाँ इन्होंने लागू भी कर दिया। ये कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है साहब, और ये खुद जो नेता लोग जो है ओपीएस लेते हैं, और जो है नए कर्मचारियों को जो 2004 के बाद भर्ती हो रहे हैं उनको जो है एनपीएस। मोदी जी सच्चे नहीं है? अब सच्चे हैं कि नहीं है तो मतलब इतिहास मूल्यांकन करेगा। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में जो काला धन दे देंगे, अब 100 दिन में काला धन अगर पूरा आ गया हो तो अलग बात है, सच्चे हैं। और एक घटना अभी एक दो हाल ही में चल रही है, एक आदर्श घोटाला हुआ था जो कांग्रेस के समय में बहुत बड़ा आरोप लगता था। अभी हम लोगों ने देखा राज्यसभा की लिस्ट आई है, तो उसमें जो घोटाले के मुख्य आरोपी हैं रहे हैं, या जैसा इन्होंने ही आरोप लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, उनको राज्यसभा में बीजेपी ने भेज दिया। तो ये नैतिकता का प्रश्न है, और इस तरह की नैतिकता भारतीय राजनीति के लिए सही नहीं है। ये मैं राजनीति सही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, 10 सालों में मोदी जी कह रहे कि हमने परिवर्तन कर दिया है, देश तरक्की कर रहा है, हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं, 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। तो भाई बनाए उसमें तो सबका साथ है, उसमें तो कोई भी आएगा। भारत लगातार विकसित हो रहा है, भारत कोई एक टाइम पीरियड में आप नहीं नाप सकते। कहते ना कांग्रेस ने 70 साल लूटा। अब ये कहते हैं कि अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो फिर इनके पास ईडी है, सीबीआई है, जो है जांच कराएं और सबको जेल भेज दें। भाई जिन्होंने अगर भ्रष्टाचार कोई भी किया हो, कांग्रेस ने किया हो, सपा ने किया हो, भाजपा ने किया हो, जो भी भ्रष्टाचार करे उसको जेल भेजे प्रॉपर वे। केवल कहना ही नहीं होना चाहिए ना कि हम भाषण दें जो है राजनीतिक मंच पे, कुछ भाषण दें, और जब अपना मुख्य काम आए, जब हम प्रधानमंत्री के रूप में या पार्टी के मुखिया के रूप में उन्हीं लोगों को नाम राज्यसभा में भेज दें या उन्हीं लोगों को टिकट दे दें, तो ये नैतिकता का दुविधा वाली। आप क्या चाहते हैं, 24 में परिवर्तन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, परिवर्तन तो नियम ही है संसार का जो है। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार हम 400 आ रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये तो कहने की कोई कहने वाले को कोई थोड़ी रोक सकता है, कोई 400 पार के, कोई 450 कहे ना, हमारे हाथ में है सारे लोग जितने इकट्ठा है सबको वोट दे के 400 पहुँचाना है कि 300 पहुँचाना है, ये पाणे जी बताएंगे इसके। पाणे जी हैं जी? पाणे जी हैं आप जी? बिल्कुल पाणे जी, वो भाजपा की बुराई कर रहे हैं। क्यों पाणे हो? पाणे भाजपा की बुराई नहीं कर सकते? बताइए पाणे जी, आप भाजपा की बुराई कर रहे हैं काहे? बताइए ये भी पाणे हैं,
भैया पहाड़ी से क्या मतलब भैया, बात कहनी सब बात सरनेम से नहीं मतलब भैया, नहीं नहीं सर क्या है, भाजपा कहते कि जितने पंडित और ब्राह्मण मतलब छत्री हमारे साथ, वो गलत करते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं पाड़े हूँ तो उनके हाथ बिका थोड़े हूँ, भाजपा के हाथ नहीं बिके बिल्कुल नहीं, मैं हिंदू हूँ तो भाजपा के हाथ थोड़े बिका हूँ। तो पांडे जी बताइए, भाजपा तो कह रही राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनवा दिया, कांग्रेस का योगदान कम नहीं है, अगर कांग्रेस ना चाहती तो ये बना लेते क्या, कांग्रेस का भी रोल लेकर के कांग्रेस ने ही। आप बताइए क्या चाहते 24 में? ऐसा है कि भाजपा जैसे भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार भाजपा की देन है, शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तो भाजपा को हटाओ, ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। क्या बात कर रहे हैं चाचा, कह रहे हैं आपकी भ्रष्टाचारी भाजपा है, हाँ आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा। अरे अभी सुप्रीम कोर्ट परसों फैसला दे दिया, वही कम आएगा काला धन सब भ्रष्टाचार भाजपा के खाता में गया। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बात को उठाए और उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, और जिस देश का प्रधानमंत्री का कोई चरित्र नहीं हो, ऐसा नैतिक पतन वाला प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न कभी होगा, जो तरह तरह की रोज बात बदलता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देखे बात बदलते हैं, महा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, छल कपट जानने वाला, तोड़ मड़ोड़ करने वाला, एक दूसरे को लड़ाने वाला, परिवार को बांटने वाला, ये प्रधानमंत्री माहिर है। छल कपट में साजिश करने वाला दो, मोदी और अमित शाह, ये देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, भाजपा को ही बर्बाद कर देंगे, देखिएगा भाजपा में खुद बगावत होने वाली है। वोटर लिस्ट आप डिक्लेयर होने दीजिए, कौन सांसद होगा बताइए आप, मतलब बुजुर्ग है, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, भाजपा की भी देखी, तमाम सरकारें देखी, तो परिवर्तन कुछ नजर आया सरकार में? बचाएगा राहुल गांधी ने हिम्मत किया, और किसी की हिम्मत नहीं है कि भाजपा के खिलाफ आवाज उठावे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए और काला धन लाने की आवाज उठाए। वही काला धन 11,000 करोड़ सबसे अधिक का गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत विकसित देश बन रहा है, जो स्वयं 80 करोड़ जनता को गरीब समझकर 5 किलो राशन दे रहा है, 150 ग्राम पर डे राशन जनता का पेट भरेगा, वो वोट खरीद रहा है, जो कहता है कि भारत विकसित देश है, जिस देश पर $6.25 बिलियन बताइए आप क्या चाह रहे हो, $6.25 बिलियन कर्ज हो, वह देश विकसित करेगा, विकसित भारत की बात कर रहे हो, जिसकी वो जो टोटल GDP जो है $6.19 बिलियन है, और $6.25 अरब जो कर्ज कर लिया है देश पर, वह जो है भारत को विकसित देश कब बनाएगा? भारत जो है अभी 45 साल में तो भारत अंग्रेजों से भी 72 दफा में चला जाएगा, 5 साल और आ गए तो भारत की फिर लायक नहीं रहेगा, और आ गए हो जाएगा और आगे घर, अब शिक्षा को उसने बेच दिया, BEd चर्चर 1-1 लाख फीस कर दिया। हाँ नहीं, बड़ी बातें कर रहे हैं चाचा, बुजुर्ग हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। को है भाजपा हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब FP ST OBC और समान वर्ग के भी गरीब वर्ग के लड़के वहीं ग्रहण कर सकते हैं। BEd 1,000-1 लाख रुपया कौन महीना देगा, 4 साल 2 साल का कोर्स 4 साल कर दिया। बताइए आप क्या चाहते, हम चाहते 24 में, आप 24 में हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए। क्यों चाहती कि कांग्रेस सरकार आए? क्योंकि उनके नेतृत्व में उसके कांग्रेस के समय में इतना मारामारी नहीं था, इतना घृणा नहीं था। अब बच्चों में, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों में इतनी घृणा आ गई है एक दूसरे, सब हिंदू मुसलमान ईसाई करते हैं, ये बहुत खराब बात है। विचारधारा बिल्कुल बदल गई है हमारे बच्चों की। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम की जो विचारधारा आ गई, जो छोटे छोटे बच्चों में स्कूल में आ रही नफरत की भावना जो बढ़ रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब वो तो जो करने वाले वो जाने ना, हम किसी को बता थोड़ी ना। ऐसा नहीं था, हम लोग ज्यादा बढ़ गए, बिल्कुल नहीं था, हम लोग भी स्कूल में पढ़ चुके हैं बच्चों के साथ, हम लोग भी बच्चे रह चुके, कभी ऐसा नहीं था, एक दूसरे का खाना खा रहे, खेल रहे, घर जा रहे, अभी तक हो रहा है। पर ये जो इन्होंने दूसरे पार्टी लोग ने आकर विचारधारा लोगों की बदल गई, पढ़े लिखे लोग भी अनभक्त हो गए। आप शिक्षक हैं? हम लोग सभी शिक्षक हैं। और बहुत खराब लगता है ये बच्चों के में भेदभाव देखकर, बच्चे इनोसेंट होने चाहिए, दिमाग उनका बिल्कुल साफ होना चाहिए, पर वो है नहीं अब। और हम लोग यही के हैं, पले बड़े यही इलाहाबाद के हैं, बच्चे स्कूल में नारा लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बताइए ये आपको लगता है क्या ये प्रेम की भावना जो थी आपस में, जो सद्भावना थी बच्चों में था, पहले तो ऐसा होता नहीं था, अभी अभी जैसे बता रही कि बढ़ गया है, तो आपको भी लगता है कि बढ़ गया है? आ गया है, आ
बढ़ नहीं गया, आ गया है द्वेष। प्रेम तो समझ लीजिए खत्म हो चुका है, प्यार तो किसी के अंदर बसा ही नहीं है, है ही नहीं प्यार की। प्यार होता क्या हैगा, बस लगता हैगा कि जैसे एक दूसरे का किसी तरीके से नुकसान कर दो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, अच्छी नहीं है।